हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में आज 15 अक्टूबर 2022 को प्रथम पाली में जो पेट एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर कोड 4 की आंसर की बताने जा रहा हूँ, जो लगभग 99% आंसर की सही है। आप इससे अपना पेपर मिला सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये इंग्लिश का पैराग्राफ है, वाच कारो लाइन्स ब्रदर एन आउटडोर टाइप, इसमें आंसर होगा नो। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वाई वेयर द स्क्यूड्स कलेक्टेड, इसमें आंसर होगा फॉर बैटिंग। तीसरा आंसर है, चूज द करेक्ट एंटोनिम, इसमें आंसर होगा हमारा सेटिस्फाई। फिर चौथा क्वेश्चन हमारा, गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, इसमें हमारा आंसर होगा लेक्सिकोग्राफी। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, इसमें आंसर होगा हमारा पत्नी। छठवां क्वेश्चन है, असंगत अलग करें, तो इसका आंसर होगा हमारा 100। सातवां क्वेश्चन हमारा, 1 जनवरी 2006 को रविवार, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन, तो इसमें होगा शुक्रवार। आठवां क्वेश्चन, गिवन साइनोनिम्स फॉर द वर्ड, इसमें आंसर होगा हमारा इनकम्प्लीटेड। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यदि नॉर्मल को RPNLMB के रूप में कोडित किया जाता है, तो इसका आंसर हमारा होगा ATBGRFH। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं, इसका आंसर होगा हमारा कुल जर्नल किताबें, कुल कैलेंडर पेपर हैं, कुछ जर्नल किताबें हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। फिर हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया, इसका आंसर सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे सैन्य अभ्यास किया, चीन। क्वेश्चन नंबर 13, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता। 14, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया, इजराइल। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किन दो शहरों के बीच अकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया, मुंबई से अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 16, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, क्वेश्चन नंबर 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय अभ्यास का आयोजन किया, ये हमारा 17 का डी हो जाएगा। 18, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, 18 का है अमित शाह। 19, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना, गोवा, 19 का डी। 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, UAE, 20 का सी। 21 का बी, IIT मद्रास, IIT के ने भारतीय भाषा में प्रौद्योगिकी बढ़ाने के लिए AL4 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ हुई, IIT मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना, आंध्र प्रदेश, 22 का ए। 23, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, 24 का डी। 25, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, 25 का बी। 26, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरिंट
26 का ए 27 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड 27 का डी 28 का डी किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी स्वामी विवेकानंद 29 UNFCCC का अर्थ है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 29 का डी 30 नौकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश। फिर हमारा ये हमारा आ गया निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये ज्ञान राशि के संचित कोष को साहित्य कहा जाता है। इस पैराग्राफ में पहला क्वेश्चन है 31 नंबर का, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है, तो 31 का है दर्पण के माध्यम से। 32 साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है, 32 का है क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। 33 प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है, साहित्य और समाज। 34 साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है, 34 का ए साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। 35 साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है, तो 35 का डी हो जाएगा राष्ट्र का इतिहास गरिमा संस्कृति सभ्यता पूर्वजों के विचार अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन दूसरा पैराग्राफ है हिंदी का है, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 36 सत्य और अहिंसा के मार्ग को असकी धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है, 36 का ए। 37 सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 37 सी अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। 38 गद्यांश में चिर स्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ, क्षण भंगुर 38 का बी। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, 39 श्रद्धापूर्वक 39 का सी श्रद्धापूर्वक अंतः विधान विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। 40 जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। फिर हमारा आ गया हमारा निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें, तो हमारी तालिका ये है वेतन परिवहन बोनस ऋणों पर ब्याज, तो इसमें 2011-12-13-14-15 वाली है। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग है, तो 0.6% 41 का सी। 42 2011 में इन सभी पदों पर कुल व्यय 2015 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है था, तो 68.33% 42 का डी। फिर 43 का इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी, 26.66 लाख 43 का ए। 44 सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्या है, 109:151 44 ए। 45 वर्ष 2013 के दौरान इन मंदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है, 738.44 लाख 45 का सी। 46 अल्टो और क्विड 46 ये और पैराग्राफ आ गया है, ये 46 से 50 तक अलग से पैराग्राफ है, इसमें अल्टो स्विफ्ट टियागो मिनी क्विड वाले क्वेश्चन हैं, तो इसमें पहला है 46 नंबर अल्टो और क्विड पर दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा 0 घंटा 46 का सी। 47 यदि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का सी 56:99
10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? 48 का बी 25:36। 49, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? 49 का ए 18:25। 50, यदि सभी करों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए कार बी 150 घंटा 300 घंटों में तय की गई तो कार ए और कार बी की औसत गति है 50 का बी 61 किलोमीटर प्रति घंटा। 50, अब ये हमारा दूसरा डाटा इंटरप्रिटेशन का है 51 से 55 तक। तो इसमें है 51 नंबर, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी, तो 51 का डी हो जाएगा 5000। 52, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? 52 का डी 1%। 53, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? 96.15%। 54 का बी 9/13, दी गई अवधि के दौरान किसी वर्ष की कंपनी शामिल होने के कर्मचारियों की 9/13। 55, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले, इसमें हो जाएगा 2002। फिर हमारा एक और डाटा इंटरप्रिटेशन का दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें 56 से 60 तक। 56 नंबर, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन, तो इसमें हो जाएगा 56 का सी 2012 और 2017। 57, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 57 का ए 137.5%। 58, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? 58 बी 2017। 59, दिए गए वर्ष कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? 59 का बी 4। 60, 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो 60 का सी हो जाएगा 20%। 61, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? 61 सी राजगीर। 62, देवानाम पियदसी किसका नाम था? 62 का डी मौर्य सम्राट अशोक। 63, संगमरमर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम शाहजहां द्वारा किया गया? 63 का डी। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? ताम्र पाषाण युग। 64 डी। भूदान ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे। 65 का ए। 66, दांडी नामक यात्रा के दौरान गांधी जी को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया किसने? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। 66 का डी। 67, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगल सम्राट का शासन था। अब हमारा 68, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? 68 का बी भारत सरकार अधिनियम 1935। 69, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली सुभाष चंद्र बोस। 69 का डी। 70, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति से हुई? फ्रांसीसी क्रांति। 70 का बी। 71, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी किस कारण होती है? 71 का सी निम्न वेग हवाएं। 72, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय ग्रीनविच मीन टाइम 5.5 घंटे आगे है। 72 का सी। 73, कौन जनसंख्या वितरण की को प्रभावित करने का आर्थिक कारक नहीं है? खनिज। 73 डी। 74, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भारत और नेपाल के बीच स्थित है? 74 का ए। 75, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। 75 का सी। 76, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। विकासशील देशों में प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि से। 76 का डी। 77, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था?
तो सभी थे। रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, सिंचाई, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, ये तीनों हरित क्रांति के हिस्सा थे। 77 का बी। 78, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक? 78 का बी, कोसी। 79, निम्नलिखित में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? वैधानिक नियम, 79 का डी। 80, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री, 80 का बी। 81, निम्नलिखित में कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? 81 बी, सिडबी। 82, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन नहीं है? किसी के अधीन नहीं है, ना तो गृह मंत्रालय के, ना वित्त मंत्रालय के, ना रक्षा मंत्रालय के। 82 का पी। 83, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ये हमारे संसद के पास है। 83 का डी। 84, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? 84 का बी, 124। 85, पचासी का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है, 85 का ए। 86, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? 86 डी, ग्रीन हाउस गैस। 87, निमोनिया मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को, 87 डी। 88, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलान, 88 सी। 87 का डी, फेफड़ा। 88 का सी, नायलान। तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर, 89 का डी। फिर है मैथ 5.21 इंटू 6.32 माइनस 2.9272, 90 का इसका हो जाएगा डी, 30। 91, 91 का सी, 100। 92, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं, कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? तो 92 का सी। 93, 5 परिणामों का औसत 46 और पहले 4 का 45 पाँचवा परिणाम है? 93 का बी, 50। 94, 29.8116 प्लस 77.44, तो इसका हो जाएगा 94 का सी, 14.26। 95, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो 95 का डी, सेलुलोज की। 96, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो 96 का बी, अवलंब, अविलंब, अधर, विलोकित। 97, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? 97 का ए, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। 98, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? 98 का ए, नूतन और पुरातन। 99, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है? गुणात्मक इसमें हो जाएगा 99 का सी, असंभव बातों की कल्पना करना। 100, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए? 100 का बी, महर्षि का महा प्लस ऋषि, 100 का बी। तो हमारा ये यूपी ट्रिपल एससी पिट का प्रथम पाली 15 अक्टूबर 2022 का प्रथम पाली का कोड नंबर चार का पेपर था, जिसका हमने पूरा आंसर की बताया। धन्यवाद।